तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास पे हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के हम सेकेंड प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। हमारा जो सेकेंड प्रोजेक्ट है उस पे डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था। तो हम ये चीज़ों पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो क्या है, चलिए हम आपको आज बताते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट क्या है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको कि जो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि हमारे पास एक फाइल है और उस फाइल के ऊपर जो है हमारा एक 10-12 फाइलें बनानी है, उसके अंदर वीडियो बनाना है। तो ये क्या है बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हुए हैं, अभी भी ये पुराने सॉफ्टवेयर और अभी भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि फाइल को डाउनलोड नहीं करता है। जी हाँ, फाइल को डाउनलोड नहीं करता है, क्या करता है, फाइल को एडिट करता है। अगर मान लीजिए उस सॉफ्टवेयर से डेटा आपको चाहिए तो आपको एक फाइल का लोकेशन देना होगा जहाँ से पूरा डेटा डालेगा। वो खुद से फाइल क्रिएट करके नेम नहीं देगा, जैसे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड हो जाता है, वो चीज़ें नहीं होती है। तो उसी तरह के सॉफ्टवेयर के लिए हमें उसको 12 फाइलें देनी, क्योंकि हम पूरे साल का डेटा डाउनलोड करने जा रहे हैं डे वाइज पे। तो हमें पूरे साल का डेटा देना है तो हमें 365 शीट देनी है 12 फाइलों में मंथ के हिसाब से। तो चलिए मैं दिखाता हूँ मैनुअली। सबसे पहले आप वीवीए प्रोग्रामिंग जब करने चलते हैं तो करिए मैनुअल, मैनुअल करके देखिए कि आखिर ये चीज़ मैनुअल कैसे होगा। अगर मैनुअल हो जा रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। तो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर, दिख रही है सर। चलिए एक्सेल, हम एक्सेल फाइल खोलते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें एक ड्राइव के अंदर, जो भी ड्राइव आप सिलेक्ट करते हो, उस ड्राइव के अंदर मान लीजिए 2020 का ही फोल्डर है, इस 2020 के फोल्डर के अंदर में हमें 12 फाइल क्रिएट करना है। ठीक है, मान लीजिए आपके डेटा नाम का फोल्डर है। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या बताता हूँ आपको कि इसमें एक फाइल क्रिएट करनी है, पहली फाइल क्रिएट करनी है, उसका नाम देना है मुझे जैन। जैन दे दिया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। इसके अंदर मैं जनवरी में 31 दिन होते हैं तो मुझे यहाँ 31 शीट ऐड करना है और उसको रीनेम करना है 3, 4, 5, 6 इस तरह से ऐसी 31 तक, फिर फरवरी का बनाऊंगा, फिर मार्च का बनाऊंगा। तो भुवन जी समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है, करना क्या चाहते हैं? हेलो, हाँ हाँ, ये तो समझ में आ गया था मेरे को, लेकिन हुआ नहीं है। ये समझ में आ गया था कि 12 एक्सेल फाइल बनानी है और 30 वर्कबुक वो बना। तो चलिए हम आपको बनाते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं नया विंडो 11 है, तो विंडो 11 की जो सेटिंग है थोड़ा सा गड़बड़ है और मैंने इसको आज ही डाउनलोड किया है, तो मैं इसको भी देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ उसको भी। तो मैं यहाँ हम यहाँ डेवलपर टैब में आते हैं। और यहाँ से विजुअल बेसिक ओपन करते हैं। और यहाँ एक छोटा सा पंगा है इसमें,
ठीक है, ये मल्टी टास्क ऑप्शन है ये इसके अंदर VVA के अंदर, सॉरी विंडो 10 के अंदर एक नया फीचर है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स में यहाँ हम सब्जेक्ट देते हैं। अब मैग्नीफायर में ओपन कर देता हूँ, तो सब्जेक्ट सबसे पहले फाइल अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे 12 फाइलें क्रिएट करनी है। तो 12 फाइलें क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ डालूँगा workbooks.add.saveas और लोकेशन कौन सा है हमारा, फायर का दिक्कत कर रहा है। तो लोकेशन है हमारा एफ ड्राइव के 2020 के अंदर डेटा नाम का फोल्डर इसमें बना रहा है। तो हमने कोड यहां कर दिया, यहां डाल दिया स्लैश, नाम होना चाहिए जैनफ है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक होता है मंथ नेम नाम का फॉर्मूला, जैसे एक्सेल में होता है मंथ नेम का फॉर्मूला होता है। अब इस मंथ नेम को लिया और इस मंथ नेम को हमने कर दिया 1, 2 @ यहाँ पे .xlsx। अब इससे क्या होगा, अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ से, फाइव से रन कर सकते हो, तो आप देखें कि आपके पास एक फाइल बन गया जैन नाम का। अगर आप अपनी लोकेशन पे आप जाके देखते हैं तो जैन नाम का फाइल बन चुका है। अब मुझे जो जैन नाम का फाइल बन गया है इसके, अब इसके अंदर जो है मुझे शीट्स ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमने दे दिया शीट्स डॉट ऐड और यहाँ पे हम लास्ट में देते हैं काउंट में मान लीजिए 31। अब यही पे एक प्रॉब्लम आती है सर, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी 31 क्योंकि ऑलरेडी एक सीट इंसर्टेड है यहाँ पे, तो बोला कि भाई 31 सीट होनी चाहिए कम ना ज़्यादा, तो कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए एक्सेल में अगर पता लगाना है आपको तो एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि एक तो फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 1 दे दिया तो डेट का फॉर्मूला होता है, डेट डेट फॉर्मूले में हमने ले लिया 2021, इसको 1 ले लिया और महीना 1 और दिन 1, तो यहाँ आता मंथ बन जाता है, मंथ का स्टार्टिंग डेट। फिर ईओ मंथ का फॉर्मूला लेते हैं, 0 करते हैं, इस महीने का लास्ट डेट बन जाता है, फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट। और डे नाम का फॉर्मूला है जिसमें से 31 अलग कर देता है। ये चीज़ यहाँ पर करनी है, तो यहां पे हम लिखेंगे d इक्वल टू यहां पे डे के अंदर, हाँ डे के अंदर एप्लीकेशन। अब ये क्या है कि कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो VVA को सपोर्ट करते हैं, कुछ फॉर्मूले VVA को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उस फॉर्मूले को हमें लाइब्रेरी से कॉल करना होता है, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ। अब इसमें चाहिए डेट, माफ कीजिएगा, 1/1/21
तो ये 31 आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, बी माइनस शीट्स डॉट कॉम। ये समझ में आया आप लोगों को सर? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। भुवन जी आपको? नहीं सर। अतुल जी? तो डी हमने लिया, तो ये डी यहाँ ए क्या कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट। ये जो डे के अंदर जो लिखा है, क्या बोला है? जो डे के अंदर लिखा है एक बार रिपीट कीजिएगा सर, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ। देखिए यहाँ पे जो ईओ मंथ है जो किसी भी डेट का लास्ट डेट बताता है ना, और डे उससे अलग रहता है। तो डे जो है सपोर्ट करता है वीवी को, ईओ मंथ सपोर्ट नहीं करता है। कैसे पता चला? जैसे आप डे फॉर्मल लगाओगे तो देखिए इनसे एक्सप्रेशन आ गया, हाँ, बट ईओ मंथ फॉर्मूला आप लगाएंगे तो एक्सप्रेशन नहीं आए। तो जो फॉर्मूला एक्सेल का है और आपको वीवी में अप्लाई करना है और उसका एक्सप्रेशन आपको नहीं दिख रहा है, okay, तो उसको आप इस मेथड से एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ करके लगा सकते हैं। ओके ठीक है। ओके तो ईओ मंथ से डेट आ गया और यहाँ पे आ गया सीट डॉट कॉम। तो इससे क्या हुआ कि उतना ही सीट ऐड होगा जितना नंबर ऑफ डेज है। इसको एक बार रन करके भी आप देख सकते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, ऑलरेडी इस नाम का फाइल ही ड्राइव में है, पहले इसको डिलीट कर रहा हूँ और ये फाइल ओपन भी है, तो हमें पहले जैन नाम की फाइल को बंद कर। अब वीवीए को हम यहाँ से वीवी प्रोग्रामिंग को रन करते हैं। देखिए एड हो गया सर 31 सीट पूरे। अब इन सीट्स को रिनेम करना है, तो सीट्स को रिनेम करने का कोड क्या है? कोड है सीट्स पहला नंबर डॉट नेम इक्वल टू 1। अब मुझे इस तरह से 31 कोड लिखने पड़ेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ 3। तो लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसे तो हर फाइल के लिए अलग मैक्रो बनाना पड़ जाएगा मुझे। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे इसी इस कोड को 31 बार रिपीट करना है और जो 1, 2, 3 है उसका नंबर को इंक्रीज कर। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम करेंगे यहां लूप का इस्तेमाल। हम लिखेंगे 4i इक्वल टू, चले 1, 2, मान लीजिए 31 और नेक्स्ट i। अब यहां पे ध्यान से समझिए क्या है, मैं एक बार अपनी जो फाइल है इस फाइल को डिलीट करता हूँ। तो मैं एफेट यहाँ पे होता है, इसमें डिवॉग में स्टेप इन्फो होता है एफेट। तो एफेट की मदद से मैं 1 by 1 रन कर रहा हूँ। ये हुआ एक एक फाइल बन गई, फिर उसके अंदर ये देखिए डी के ऊपर 31 हो गया। तो यहाँ पे 31 माइनस जितना नंबर साइट 1 है, मतलब कि 30 सीट इंक्लूड हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आई एम्बेड, अभी क्या है आई इक्वल टू 1 है ना सर? तो आई जैसे यहाँ पे डी है ना सर, ए बी सी डी, ऐसे मान लीजिए आपका आई भी है। तो यहाँ हम 1 के जगह पे आई का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ भी हम आई का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसको एफिट करता हूँ, तो देखिए एक सीट का नेम 1 आ गया। अब इस बार आई जो है 2 हो गया, तो इसने 2 सीट कर दिया, फिर 3 हो गया। तो जितना बार लूप जो है 31 बार चलेगा, मतलब 31 बार इस कोड को रन करेगा फोर लूप। और ये जो आई है हमारा, ये हर बार कितना बार लूप चल चुका है उसका रिकॉर्ड रखेगा, ओके। और फिर ये सारे शीट्स को रिनेम कर देगा। यहाँ से क्लिक कीजिए, देखिए सारे शीट से 1, 2, 3 नंबर से रिनेम हो गए सर।
तो ये कोड समझ में आया आप लोगों की नहीं आया सर? किसी को डाउट इसमें? D minus seed count QPR seeds dot count क्या बोल रहे हैं सर? ये जो D minus seeds dot count QPR है सर, ये तो पहले समझा दिया था ना आपने, बोला आ गया, अभी बोल रहे नहीं आया। नहीं नहीं थोड़ा सा D तो हो गया 31 हो गया। D जो हुआ ये हुआ नंबर ऑफ डेज, कि जिस महीने का फाइल ऊपर क्रिएट हुआ है उस महीने में नंबर ऑफ डेज कितना है। ओके अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे जितना नंबर ऑफ डेज है उतना ही सीट क्रिएट करना है, ना ज्यादा ना कम। तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई जितना दिन है और जितना सीट ऐड है माइनस कर दो। ओके ओके ठीक, जैसे एक सीट यहाँ ऐड है ना सर, 31 से 1 माइनस होगा और 30 सीट ऐड हो जाएगा, तो फाइनल सीट तो 31 ही रहेगा। ठीक ठीक सर। अब ये रिनेम करने वाला ऑप्शन समझ में आ गया सबको? आ गया सर। लेकिन यहाँ 31 तो फिक्स नहीं है ना, हर महीने चेंज हो सकता है, तो 31 की जगह पे डी कर दे दो, क्योंकि डी भी तो 31 ही है ना सर, समझे? यस यस सर। अब मेरा ये जो माइक्रो है एक मंथ का फाइल बना के उसके अंदर उतने हिसाब से सीट कर देता है। अगर मुझे दूसरा महीना चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा और यहाँ हमारा जो है 2 हो जाएगा, दूसरे महीने का हो जाएगा। अब देखिए दूसरे में यहाँ रन करता हूँ तो दूसरे महीने की फाइल खुलेगी और दूसरे महीने के नंबर ऑफ शीट ऐड होंगे और सारे शीट रिनेम हो जाएंगे। आ गया फैब सर? आ गया सर। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा फाइल भी क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं एक्टिव, क्योंकि जो फाइल ओपन वही जो ओपन हुआ है वही एक्टिवेट है, तो एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज और यहाँ पे सेव में आप ट्रू कर दें। तो प्रॉब्लम ये है कि इस माइक्रो को मुझे 12 बार रन करना पड़ेगा और 12 बार क्या है हमें इसका नंबर चेंज करना होगा। तो देखिए ऑटोमेशन में क्या होता है, 100% ऑटोमेशन और सेमी ऑटोमेटेशन। ये जो बना है इसको सेमी ऑटोमेशन कर सकते हैं, इसमें आपको फाइल के ऊपर अलग कर सकते हैं। अब मुझे फुल्ली ऑटोमेटेड करना है तो इस पूरे माइक्रो को हमें एक और लूप में रखना है, तो लूप जे इक्वल टू चले 1 to 12 और यहाँ नेक्स्ट जे, जैसे यहाँ हमने आई को किया है और जैसे यहाँ जहाँ पे 1 to 3 चाहिए वहाँ पे हमने जे आई यूज कर लिया है, ऐसे यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ जे यूज कर लेता हूँ, यहाँ चाहिए हमने जे यूज कर लिया। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ फाइल बना क्लोज हुआ, फिर दूसरा फाइल बना। अगर आप इसमें जाके देखें फोल्डर में तो फाइल बनता जाएगा, फोल्डर आपका दिखता जाएगा। ठीक है सर? तो ये थी हमारी आपका VVA प्रोग्रामिंग का सेकेंड प्रोजेक्ट। तो इसको थोड़ा सा इसमें हमने VVA वगैरह का यूज किया है, हो गया।
अब जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, ठीक है सर। इस कोड को आप अपने सिस्टम पे यूज करें, इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करने की कोशिश करें, अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो मुझे कॉल करें, हम आपको समझ गए सर।